मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ा और पाक तीर्थ स्थल है। मक्का में स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा करने से हर मुस्लिम समुदाय को लोग खुद को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं। यही वह स्थल है जहां पर हज यात्रा संपन्न होती है। दुनिया के कोने कोने से हर मुस्लिम इस पाक स्थान पर पहुंचते हैं और इस्लाम का जन्म सऊदी अरब की धरती पर हुआ, इसलिए मक्का मदीना इस देश की धरोहर है। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ सोशल पे। हमारी इस खास पेशकश में जानते हैं कि आखिर गैर मुसलमान क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना। आपको बता दें कि मक्का मदीना जाने वाले रास्ते पर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर केवल मुसलमान ही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। यहाँ के ज़्यादातर साइन बोर्ड अरबी भाषा में लिखे हैं, जिससे काफ़ी देश के लोग नहीं पढ़ पाते। वहीं पहले यह लिखा जाता था कि यहाँ काफिरों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब ये गैर मुसलमान शब्द काम में लिया जाता है। वहीं इतिहास मक्का मदीना के बारे में ये बयां करता है कि यहाँ पर पहले भगवान शिव का शिवलिंग था, जिसे बाद में मुस्लिम तीर्थ स्थल में बदल दिया गया। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, वह काले रंग के एक खंडित शिवलिंग था। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर शिवलिंग अभी भी मौजूद है। वहीं मक्का के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार पीएल हॉक ने अपनी किताब में लिखा है कि वेंकटेश पंडित द्वारा रचित राम अवतार चरित में मक्केश्वर महादेव का उल्लेख किया गया है, जो कि रामायण के दूसरे किसी संस्करण में नहीं मिलता। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि राम अवतार चरित के अनुसार शिव रावण को युद्ध में विजय होने के लिए एक शिवलिंग देते हैं। भगवान शिव ने रावण से कहा था कि किसी भी कारण इस शिवलिंग को धरती में मत रखना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रावण ने किसी कारणवश शिवलिंग को धरती पर रख दिया, जहां पर आज मक्का का पाक स्थल माना जाता है। भारतीय संस्कृति में पवित्र गंगा को स्पष्ट उल्लेख है, जहां शिव के साथ गंगा और चंद्रमा की कल्पना की जाती है। काबा के पास एक पवित्र झरना है। यहां इस्लाम की स्थापना से पहले भी इस पानी को पवित्र माना जाता था, जिसे इस्लाम में आबे जमजम का पवित्र पानी कहा जाता है। बता दें कि मक्का मदीना में कोई भी गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त ये है कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह का सच्चे मन से मानता हो, जो इस्लाम धर्म को मानता हो, यहाँ पर प्रवेश करने से पहले उसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सी फर्स्ट का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें।